खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी पुलिस ने अब अफसा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इससे पहले उनके खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इनाम की धनराशि को बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उनके कामों को पत्नी अफसा अंसारी चलाती हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि अफसा अंसारी ने मऊ में विकास कंस्ट्रक्शन के माध्यम से संचालित फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किया था। इसी मामले में मुख्तार की पत्नी और दोनों सालों समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बाद में इसी मुकदमे को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। मऊ के COCT धनंजय मिश्रा ने बताया कि 2 दिन पहले मऊ पुलिस ने अफसा पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। उसके बाद अब लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। मऊ पुलिस के लिए मुख्तार की पत्नी की गिरफ्तारी चुनौती बन गई है। गाजीपुर जिले में पुलिस ने पुरस्कार घोषित अपराधियों की सूची जारी की है। इस सूची में 12 उन अपराधियों के नाम शामिल हैं जिन पर पुलिस की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया है। अफसा अंसारी पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 406, 420, 386, 506 IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। अफसा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड में अफसा अंसारी IS-191 गैंग के सदस्य के तौर पर चिन्हित है। कुछ मामलों में अफसा के साथ उसके 2 भाइयों को भी पुलिस ने नामजद किया है। पुलिस ने अफसा की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की है, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। SP की तरफ से जारी की गई सूची में मनिया के सोनू मुसहर, चकफरीद के सद्दाम हुसैन, बनगामा के वीरेंद्र दुबे, इमिलिया के अंकित राय, नसरतपुर के अंकुर यादव, आजमगढ़ के सिधारी थाना के टेवखर के अशोक यादव, जोगा मुसाहिब के अमित राय, मुख्तार के शूटर शेरपुर के अंगद राय, चकिया के रवि बिंद और सकरा के सोनू बिंद के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन पर गलत तरीके से अपना नाम करा लिया। इसके अलावा कुछ और लोगों की जमीन भी गलत तरीके से ले ली। उस समय के तहसीलदार PC श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की जांच कराई। जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी ढंग से अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई पट्टे की जमीन को फर्म के नाम पर कराया है।